I've fallen in love with I Love. I love you. Él volvió, wow. मुझे गन से किसी को भी मारना पसंद नहीं है क्योंकि वो जल्दी मर जाता है। समझो अभी तुम बिरयानी खा रहे हो, उसे कैसे एंजॉय करोगे? पहले उसकी महक नाक में जाएगी, जब उसकी सुगंध हमारे शरीर में जाएगी भूख ज्यादा लगेगी और मुंह में पानी आने लगेगा। उसके बाद फटाफट हाथ बिरयानी में डाल के उसे फटाफट मिक्स करके फटाफट मुंह में डालना चाहिए। लेकिन मुंह में डालने के बाद फटाफट चबाना नहीं चाहिए। अगर उसे आराम से खाओगे तो उसके स्वाद का मजा ले पाओगे। अगर एक इंसान को मारना है तो वो भी आराम से करना चाहिए। जब एक चाकू या छुरी लेकर जब किसी को मारना है, उस इंसान के पास जाते ही उसके शक्ल पे जो डर और दर्द का एक्सप्रेशन आता है ना, वो है ना, वो समझे ना, इट्स अ मिलियन डॉलर एक्सप्रेशंस। करोड़ों रुपए भी अगर हम किसी अभिनेता को देंगे ना तो ऐसा एक्सप्रेशन नहीं ले पाएंगे। एनीवे, चाकू लेके उसके पास जाते वक्त और लड़की के पास जाते वक्त हम औरतों को भी समान मौका देते हैं। अगेन, चाकू लेके उसके पास जाते वक्त वो तुमसे भीख मांगेगा। इतना पाप करके भी जो भगवान को कभी नहीं माना, वो भगवान से कहेगा कि मुझे इस तरह सजा मत दो। उसको लगेगा कि कमरे का दरवाजा टूटेगा और कोई फिल्मी हीरो की तरह आएगा और मुझे बचाने, वो इस तरह सोचेगा। जब उस इंसान के पेट के अंदर चाकू जाता है ना, तब एक प्यारा सा साउंड आता है कानों में। आई लाइक टू हियर दैट साउंड। फिर वो चिल्लाएगा, आ मां नहीं। वो सब हंगामे के बीच ये साउंड चले। उस साउंड को सुनते ही आपको नशा चढ़ेगा। फिर आप उस चाकू को दोबारा डालोगे, दोबारा दोबारा। Sometimes it has to have sex. तब उस सौंदर्य का मजा गन से नहीं मिलेगा। खत्म हो गया ना यारो। मजा लेना चाहिए, मजा लेना चाहिए। मुझे मारने के लिए गन लाए हो क्या, या फिर चाकू या छुरी लाए हो? देखो, हम दोनों को छोड़ दो प्लीज। तुम्हारे दोनों पैरों के बीच में रिवॉल्विंग प्लेट रखी हुई है और तेरे दोस्त के दोनों पैर मशीन काटने वाली के पास रखे हैं। अगर तुम इस सबसे बच के निकल गए तो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ूंगा। इट्स अ डील। जैसे पहले ही बोला, यहां कुछ भी जल्दी से नहीं होगा, सब आराम से होता है। चालू करो। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है और मैं एक राइटर हूं। मुझे पता है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे,
कि आखिर ये आदमी कौन है जो इस तरह ऐसे हंस रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक गैंगस्टर है और ये आदमी बातें कम करता है और गोलियां ज्यादा चलाता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हम दोनों यहाँ पर आखिर क्यों बंधे हुए हैं, तो इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा और पीछे। सॉरी हम कुछ ज्यादा पीछे आ गए। वो मेरा पहली बार मुड़ना, एक लड़की को यूं किस देना और बदले में मेरी धुलाई होना। तो ये कहानी शुरू होती है इस आदमी के साथ जो इस संसार का आठवां अजूबा है। कहानी बहुत अच्छी है विवेक, लेकिन इस समय कुछ अलग ही कहानी शूट करने का डिसाइड किया है मैंने। विवेक, अब तक मेरे बैनर में सिर्फ लॉ सब्जेक्ट ही करता था, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू चेंज एवरीथिंग। हे राइटर जी, इस समय डिफरेंट एक्शन फिल्म करने की सोच रहा हूँ। एक्शन फिल्म मतलब चाकू छुरी वाली कहानी मत लिखना, रियल स्टोरी लिखना, सत्य कथा होनी चाहिए, ऐसी कहानी बनाना चाहता हूँ। सुनिए राइटर जी, इस कहानी की तारीफ पूरी इंडस्ट्री करे कि क्या कहानी सोची है इन लोगों ने। हर भाषा के लोग सोच में पड़ जाएंगे क्या कहानी ढूंढ के लाए हैं ये लोग। ऐसी कहानी बनाना एक्शन सब्जेक्ट में। सर, ऐसी कहानी लिखनी है तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी, खर्चा लगेगा सर। ये लो चेक, तुम सर्च करोगे या रिसर्च मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ, ऐसी कहानी तुमको लिखनी ही होगी। लिख लोगे ना? मैं एक राइटर हूँ और मुझे अपना काम अच्छे से करना आता है। आज तुमने मेरे टैलेंट पर सवाल खड़ा किया है, इसका जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा सर, और पक्का दूंगा। हो जाएगा सर। और मैं अपनी कहानी का रिसर्च करने के लिए पुलिस कमिश्नर के पास गया, उसके बाद हमारे राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर के पास भी गया, यहाँ तक कि शहर के सबसे खतरनाक गुंडे से मिलने भी मैं गया। नमस्ते भाई। सर, मुझे हर्षवर्धन पाटिल से मुलाकात करनी है, उनसे मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा सर? और तब मेरे इस सवाल का जवाब किसी ने भी नहीं दिया सिवाय माली भाई के। मार खानी के तुझे, दिमाग खराब हो गया तेरा। देखो बॉस, माली भाई मेरी बात सुनिए। भाई मेरी बात सुनिए। सर, भाई मेरी बात सुनिए। सर, ए मारो उसे। लेट क्यों आया? बचाओ माली, मुझे तेरे बॉस हर्षवर्धन पाटिल से मिलना है, मीटिंग अरेंज कर। उसके बाद माली ने हमें एक एड्रेस दिया। जब उस एड्रेस पर हम पहुंचे तो वहां पर हमारी मुलाकात उस नारंगी साड़ी वाली से हुई। ये मुझे दे दो। कल उस जगह पे जाओ। उसके दिए हुए एड्रेस पर हमने पूरा दिन वेट किया और उसके बाद हमसे मिलने के लिए पुलिस कमिश्नर आए। चलो अंदर। कमिश्नर साहब हमें रेवेन्यू मिनिस्टर के पास लेकर गए और वहां से हम दोनों मैंगलोर निकल गए। बिना इलेक्शन के ही किस्मत में मंत्री बनने का जोग लिखा है। मैंगलोर में हम एक होटल में पहुंचे वहां पर माली भाई हम दोनों का वेट कर रहे थे और उसके बाद का सीन तो आप पहले ही देख चुके हैं। तुम लोग यहां रह सकते हो, लेकिन बाहर की दुनिया से तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। भैया, आ रहे हैं वो लोग। आ,
वही है ना? सुदर्शन शेट्टी रामचंद्र शेट्टी का बेटा। रामचंद्र शेट्टी ने एक टाइम पे हर्षवर्धन पाटिल के साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड में शुरुआत की थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रामचंद्र का मर्डर हो गया। हर्षवर्धन ने रामचंद्र का मर्डर किया था और उसके बाद सुदर्शन शेट्टी ने हर्षवर्धन पाटिल को मारने की कई बार कोशिश की थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लेकिन आज यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है। ये सब तो हंस रहे हैं। कौन है तू? मेरा नाम विवेक है। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड? हाँ। मुझे अपनी फिल्म की स्टोरी के रिसर्च के लिए आपसे मुलाकात करनी थी। मैं एक राइटर हूँ। वो क्या है कि दाऊद मुझे मारने के लिए किसी रिपोर्टर को भेजा है, ऐसी खबर आई थी। उस रिपोर्टर ने इंटरव्यू लेने के बहाने मुझे मारने का प्लान बनाया है, ये मुझे पता है। तूने इस माली को बचाकर मुझसे मिलने की कोशिश की। वो रिपोर्टर तू भी हो सकता है, ये मुझे शक हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो तो तुझे पता ही है। ये सुदर्शन उस रिपोर्टर को पकड़ के मेरे पास लेकर के आया है। लेकिन आप दोनों दुश्मन थे, लेकिन अभी नहीं है। इतने सालों तक मेरे पापा को हर्षवर्धन अंकल ने ही मारा है, ये सोचकर उन्हें मारने के लिए मैं, मुझे मारने के लिए वो कंपटीशन में रहा करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि मेरे पापा को मारने वाला वो दाऊद है। सो हम दोनों के झगड़े का वो फायदा उठा रहा था, इसीलिए इस सबसे निपटने के लिए मैं और अंकल एक हो गए। और इसीलिए मेरे भाई रजत के साथ अंकल की बेटी अंबिका की शादी करने के लिए हमने निर्णय किया, और आज उनका एंगेजमेंट है। अगले महीने ही शादी है, तुम दोनों यहीं रहोगे। सारे मिनिस्टर मर रहे हैं, मेरे इनवाइट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी को नहीं बुला रहा हूं। तू पसंद आया तो यहां रहना चाहिए। हाँ, हम रहेंगे सर, आप चिंता मत करें, खाना हम ही खत्म करेंगे। विवेक, हमारी फिल्म में इन्हें फाइनेंस करने के लिए बोल दें। तू बोल तो तुझे हीरो बना दूं। हम प्यार से समझाएंगे तो शायद वो लोग नहीं समझेंगे। चार लाश गिरा दोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। भैया शुरू करूं? क्या शुरू करने वाले हो? सब लोगों को नमस्कार। हमारे हर्ष जी और सुदर्शन जी पिछले 15 सालों से एक दूसरे को मारने के लिए ट्राई कर रहे थे, और उस झगड़े में मुझे भी गोली लग गई थी। कहाँ लग गई थी गोली? अबे यहाँ लगी, ये सब बताऊंगा क्या? आइए भाई आइए। अब अच्छा टाइम आया है, आज हमारे बॉस की बेटी और सुदर्शन जी के भाई की शादी फिक्स हुई है, और आज इंगेजमेंट है। रजत इधर आओ। या हाय रजत। हमारे रजत साहब लंदन से मॉडलिंग कंपटीशन जीत कर आए हैं। अंकल हमारी बहू कहाँ है, दिख नहीं रही है? अभी लो अंबिका। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था, वो पूनम के चांद की तरह चमचमा रही थी। मैंने कहा था, वो याद है ना? ये लो बेटी। Yellow.
ये सब क्या है? आओ लेखक जी। सर, मैं एक एक्टर हूँ। कौन सी फिल्म में एक्ट किया है? अभी तक तो नहीं किया, आपका आशीर्वाद तो एक दिन जरूर करूंगा। अच्छा एक्ट कर लेते हो। सर, यहाँ पर क्यों आए हैं? हम लोग तुम्हें ये बताने वाले हैं कि बॉम्ब कैसे ऑपरेट करते हैं। चुपचाप देखते रहो। पिछले 15 सालों से इन जानवरों को पाल रहे हैं हम। लेकिन सर, बड़े बड़े लोग तो घोड़े पालते हैं, हमारे अंबानी जैसे, और कुछ लोग तो भारत देश में शेर भी पालते हैं। आप क्या सर इन सुअर को पाल रहे हैं? ए, उस रिपोर्टर को लेकर आओ। लाश को गायब करना बहुत बड़ी समस्या है। गाड़ दिया तो पुलिस आज नहीं तो कल निकाल ही लेती है, जलाया तो हड्डियां बच जाती हैं, नहीं जला तो सबूत रह जाता है। सिर्फ हड्डी थी बॉस, मांस तो था ही नहीं। डाल दो। चल चल खाना खाना तेरे लिए खाना लाया। चल, चल। जानवरों को भूख ज्यादा है, उन्हें जो भी दो वो खा लेंगे। वो ऐसे खाते हैं, कुछ भी बचाते नहीं, सब खत्म कर देते हैं, फिर भी भूखा पेट लेकर के हमारी तरफ देखते हैं कि खाना दे दो, ऐसा बोलते हैं। विवेक, मैं तुझे बता रहा हूँ, पागल कुत्ते के काटने से जहर नहीं फैलता, चाट भी ले तो भी फैलता है। कल ही यहाँ से भाग ले तो ठीक है, नहीं तो कितने मर्डर में हम इन्वॉल्व होंगे, पुलिस हमारा एनकाउंटर कर देगी। तूने कभी सुना है कि किसी डॉन का एनकाउंटर हुआ है? सब उनके आजू बाजू वाले ही मरते हैं। कल ही यहाँ से निकल लेते हैं। ठीक है, सुबह मौका देखकर यहाँ से निकल जाएंगे। सही है ब्रदर, पता है मेरा पेट भी खराब है। कितनी गर्मी है यार। और एक बात और बताऊं, मुझे अकेला छोड़कर कहां चला गया? मैं नहीं आऊंगा, प्लीज। ओके, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। तुम क्या सॉल्यूशन निकालोगे? प्रॉब्लम तो तुम ही हो, और तुम्हारा बॉस मेरे पापा हर्षवर्धन। तुम्हारे पापा के साथ मैं काम नहीं करता। ओ, तो तुम अम्बिका की तरफ से हो? वेट वेट, मैं एक राइटर हूँ, मैं आज सुबह यहाँ पर आया। मेरी फिल्म की कहानी की रिसर्च के लिए मुझे आपके डैड से मिलना था। आई एम नॉट वन ऑफ देम। आई
एंड आई क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ यू फील। देखो अंबिका, मौत हर चीज का सोल्यूशन नहीं होती। सोल्यूशन नहीं है? मेरे पापा ने मेरे पैदा होने के बाद एक महीने तक मेरी शक्ल नहीं देखी थी। 20 साल पहले मुझे छोड़ गए थे। माँ ने कितनी मेहनत से मुझे पाला, और जब वो मरी उन्हें देखने तक नहीं आए वो। फिर मेरी दादी ने मुझे पाला, और अब वो मेरी किसी से भी शादी करवाना चाहते हैं। खुद की संपत्ति और जान बचाने के लिए मेरी बलि देना चाहते हैं। मेरी दादी में अब ताकत नहीं बची है। बूढ़ी होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रही है। वो भी कुछ दिनों की मेहमान है। तब फिर मैं क्या करूंगी? I'm sorry, लेकिन इस तरह सुसाइड करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा ना। देखो, मैं इतना बोल सकता हूँ कि मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं अपनी राइटिंग की कसम खा के कहता हूँ कि आपको दर्द ना हो उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए बस। अगर मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाया तो शादी से एक दिन पहले मैं खुद आपको यहाँ पर लाकर सुसाइड की परमिशन दे दूंगा। एक महीने में तो इस कुएं का पानी नहीं सूख जाएगा ना। अंबिका, प्लीज भरोसा करो, बाहर आ जाओ। कम आ जाओ प्लीज। हाथ दो मुझे। You are fine. Are you okay? Uh-huh. Yes, I'm fine. रूम में जाकर रिलैक्स करिए। ओके, बाय। थैंक यू। रिलैक्स करना। हाँ, ओयो। सॉरी। नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? जब मैं तुमसे टकराई सब गिर गया। आओ उठ जाओ, आराम से आ जाओ। मेरा नाम चिन्नी है। चिन्नी? मैं दांडू नहीं, पांडू नहीं, मैं का मैं बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। नाइस टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू जेम्स बॉन्ड। मैं ना एक नर्स हूँ, दादी की देखभाल के लिए आई हूँ। मैं एक्चुअली एक्टर। कहाँ चली गई थी, कब से ढूंढ रही हूँ। कुछ नहीं, चला जा। ए गुड नाइट। तो से शादी करेगा तूने, ऐसे वचन दे दिया। ए शादी रखूंगा ये बोला है। बात करता है, अगर मैं चला गया ना तो वो फिर से सुसाइड कर लेगी। उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, कभी भी मर सकती है। ऐसा है तो उनकी दादी की देखभाल कौन करता है? कोई नर्स वगैरह होगी। तो टेंशन ना ले, मैं देख लूंगा। मैं ना एक नर्स हूँ, दादी की देखभाल के लिए आई। तू ही है मेरा यार, मैं भी हूँ तेरा यार। माँ ने जा हंस तो दे, कुछ तो कह मेरे यार। कुछ कुकू। क्या? ए तू अकेला ही पुण्य का काम करने जा रहा है, उसमें मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहा है। मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मतलब? हम दोनों मिलकर शादी रोकेंगे। तू नहीं जाएगा? यहीं पर रहेगा। क्यों? क्यों मतलब? यहाँ उस लड़की की जिंदगी खराब होने जा रही है और तू मुझे चुप रहने के लिए बोल रहा है। तू इतना शरीफ कैसे हो गया? तू तो कमीना है। मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे बारे में तू जानता है क्या? कुछ नहीं। मैं कल बात करता हूँ। गुड नाइट। सो प्लान क्या है? वेल, सैन का नाम सुना है तूने? सैन? ये चिन्नी का कोई रिलेटिव है क्या? सैन चाइना से है, उसने आर्ट ऑफ वॉर लिखा है, लड़ाई कैसे करनी चाहिए। उसका पहला रूल है एवरी वॉर बेस्ड ऑन डिसेप्शन, हर लड़ाई धोखे से जीती जाती है। धोखे पर? क्यों राठौर साहब, किसी सोच में पड़े हो क्या?
विवेक। कुछ नहीं, बस जब से आप दोनों से मेरी मुलाकात हुई है ना, एक कहानी मेरे दिमाग में घूम रही है। उसे एग्जीक्यूट मैं कैसे करूं, बस यही सोच रहा था। पूरी रात लाइट ऑन करके इसने मुझे एक पल के लिए सोने भी नहीं दिया। कुछ लिख रहा था और सुबह उठते उसे फाड़ दिया। राइटर लोगों का साथ पूरी रात का उपवास। कहानी की बिगनिंग तो मुझे मिल गई है, लेकिन उसके बाद क्या लिखना है समझ में नहीं आ रहा। बिगनिंग में क्या होता है? Curiosity kills the cat. धोखा इस तरह दिया जाए कि बाएं हाथ को पता ना हो कि दायां हाथ क्या कर रहा है। जो आदमी इस तरीके से गेम को प्लान करता है वो हमेशा आखिरी में जीतता ही है। ये पागलों की तरह हरकत कर रहा है, ये क्या कहानी लिखेगा? भाई डोमिनिक का फोन आया है। सामने वाले के मन में डाउट क्रिएट करने के बाद हमें अपना डिफेंस तैयार करना चाहिए। चुनी, हे चुनी, चुनी, तुम क्या है? ये पेपर अंबिका को देना और कहना विवेक ने दिया है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चुनी, हाँ, अब क्या है? अच्छी लग रही हो तुम, जाओ हटो। आर्ट ऑफ वॉर का एक और रूल है, pretend inferiority and encourage his arrogance. You have to show your opponent that उसे आपसे कोई खतरा नहीं है। Okay, listen to me. एक गांव में एक डॉन रहता है, वो एक हीरोइन को रखेल बनाए रखता है। उसके घर में पार्टी होते वक्त उसका फ्रेंड आया रहता है, तब एक दूसरा गैंग इन पर अटैक कर देता है। तब हीरो हीरोइन को और अपने फ्रेंड को एक रूम में बंद करके फाइट करने निकलता है। पटाख से उसको याद आता है कि उसका दोस्त बड़ा ठरकी है। वापिस आता है, हीरोइन को बुलाता है, तब क्या बोलता है मालूम है? देख, अगर वो तेरे हाथ पकड़े तो मुझे एप्पल करके बुलाना, कमर पकड़े तो मुझे ग्रेप्स कहके बुलाना, पैर पकड़े तो वनीला कहके चिल्लाना। वो वापस एक बड़ी फाइट करके आता है, डग 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 डग। वापस आके हीरोइन से पूछता है, कुछ हुआ तो नहीं? जानती हो हीरोइन क्या बोलती है? क्या बोलती है? फ्रूट सलाद। डिफेंस की चाल चलते समय ओपोनेंट को हमारी चाल का पता नहीं होना चाहिए। जीतने के लिए कई बार खुद की बलि भी देनी पड़ती है। अरे क्या है, समझ नहीं आ रहा, खाली पेपर है। तालाब में सर्कस करके ये मेरे हाथ में दिया उसने। वो वहाँ सर्कस क्यों कर रहा था? वही तो, दूसरी जगह भी तो दे सकता था, अगर गीला हो जाता तो। गीला हो जाता? क्या है ये? ये कोई गेम है क्या? नो, आई नो दिस। सर आपने बुलाया मुझे? आओ लेखक जी, बैठो। तुम्हारी हालत पर हमें तरस आ रहा है। तुम राइटर हो, अगर ये पता नहीं होता तो अब तक हम तुम्हें पागलखाने जरूर भेज दिए होते। सॉरी सर। कहानी की बिगनिंग तो कर ली होगी ना, वो क्या है जरा बताओ मुझे। पहला रूल धोखा, उसके बाद क्यूरियोसिटी, फिर डिफेंस को बढ़ाना, सामने वाले को इंफीरियर बना देना, वक्त पर खुद की भी बलि देनी पड़ती है, एंड अबव ऑल टाइमिंग इज एवरीथिंग। सर इस कहानी में दो क्रिमिनल्स का रोल है। ओहो, हम दोनों की कहानी? नो 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 नो, सी द्रौपदी की वजह से कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी, ऐसा महाभारत में लिखा है। वैसे ही आप दोनों की वजह से ये कहानी मैं शुरू कर पा रहा हूं। इनफैक्ट इस कहानी के सारे कैरेक्टर जो हैं वो आप लोगों से इंस्पायर जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये कहानी आप लोगों की नहीं है, पहले ये बात क्लियर कर देना चाहिए। फाइन, आगे बोलो। ये कहानी आज से 22 साल पहले शुरू हुई थी। दो क्रिमिनल्स हर्षा और सुधा, ये दोनों गजानन डायमंड स्मगलर के घर में घुसकर उसका खून करते हैं। आ जाओ,
जल्दी करो, जल्दी। फोन करने की वजह, गजानन के पास 5 करोड़ के हीरे थे जिसे वो दोनों लेकर सिंगापुर में जाकर उसे बेचने के बाद पैसों को आधा आधा बांटकर करोड़पति बनना चाहते थे। डार्लिंग, हम करोड़पति बन गए। सुनो, वो मेरा पासपोर्ट घर पर छोड़ कर आए हूँ। क्या, ध्यान नहीं दिया तुमने? ए सुधीर, घर जाके पासपोर्ट ले क्या? What nonsense? मैं घर जाकर पासपोर्ट लेकर आऊं और तुम दोनों यहाँ से कार में बैठकर एयरपोर्ट जाओगे, यही है ना तुम्हारा प्लान? क्या बोल रहा है सुधीर तू, मैं पासपोर्ट सच में भूल आई हूँ। मैं जानता हूँ आप भूल गई होंगी और कर भी क्या सकती हैं। मतलब क्या है तेरा? Stop it! बस करो, हीरे गाड़ी में रहेंगे और मेरी बीवी भी गाड़ी में रहेगी, मैं खुद लेकर आता हूँ। सुन, तू यहाँ वेट कर, शीला इधर आओ। ये लो, जरूरत पड़े इस्तेमाल करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हर्षा, उसके बाद की कहानी ऐसी है, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना, मैं जल्दी आऊंगा। अब हम करोड़पति बन गए डार्लिंग। सुधी, तुझे मारने के लिए गन देकर गए हैं। बेवकूफ, 25 लाख देता हूँ, जब मेरा भाई घर पर आए तो इनकाउंटर कर देना प्लीज। सुधा का हर्षा के वाइफ के साथ अफेयर हो गया और हर्षा ने सुधा को मारने के लिए इंस्पेक्टर को सुपारी दे दी। क्यों? अंदर कैसे आए तुम? तेरे भाई ने तुझे मारने के लिए सुपारी दी थी। ये लो। एक्चुअली फिर क्या हुआ कि? क्या? अरे तेरा भाई और तेरी बीवी, छी, बहुत गंदे हैं। 25 लाख रुपए की सुपारी दी है तुझे मारने के लिए। मैं तुझे 1 करोड़ देता हूं। क्या, दोनों को उठाना है क्या? नहीं, वो जो बोला वो कर। ठीक है ठीक है, दरवाजा बंद कर क्या, मैं देखता हूँ कोई है क्या। जा। और यहीं फिल्म खत्म हो जाएगी। नो, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। इसके बाद हम टाइटल कार्ड दिखाएंगे और आफ्टर दैट अगले 22 साल के बाद हर्षा से डॉन हर्षवर्धन बन जाता है। अब हर एक चीज पे उसका कंट्रोल है, लाखों करोड़ों की डील वो यूं ही करता है, हर एक चीज उसके अनुसार हो रही होती है कि एक दिन उसके पास एक फोटो आती है। उस फोटो में 22 साल पुराने हर्षा और सुधा खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब हर्षा सोचने लगता है कि इस फोटो की एक कॉपी तो उसके पास थी और दूसरी कॉपी सुधा के पास थी। अगर सुधा मर गया तो ये फोटो किसने भेजी? इस पर लिखा था आई एम बैक। उसके बाद क्या होता है? पता नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो सी, अभी हर्षा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वहां कुछ तो
कुछ तो होगा ही, क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हीरो की एंट्री होनी चाहिए, बट वो एंट्री कैसी होनी चाहिए समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैं ही हीरो? तू कैसे हीरो बनेगा? 22 साल हुआ मतलब तू तब 50 साल का हुआ होगा। जैसे मैंने बोला कि भैया डोमिनिक का फोन आया है। अच्छा है, आगे कहानी में क्या होता है इंटरेस्ट के साथ बता। आगे क्या होता है बता देना मुझे। थैंक यू सर। मैंने पहले ही बोला था, टाइमिंग इज एवरीथिंग। सर एक्चुअली सच बोलूं तो मुझे आपको थैंक्स बोलना था। मुझे क्यों? क्योंकि अंडरवर्ल्ड के ऊपर कहानी लिखनी हो तो बस वही पुराना आइडिया बार बार सामने आता है, पुलिस गुंडे। लेकिन इस कहानी में मदर सेंटीमेंट भी जुड़ गया है। किसी भी कहानी में किसी गुंडे की माँ तो होती ही नहीं है। लेकिन इस कहानी में है। मैं अपनी इस कहानी में अब दिखाने वाला हूं कि सत्य को भी जीत पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये मेरी कहानी का ट्विस्ट होगा, यहीं से मैं अब कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। सच और तुम जो बोल रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा। सर सर देखिए, माँ एक सत्य होती है, हमें 9 महीने कोख में रखती है, पालती है, पोसती है, अब हमारे लिए सब कुछ करती है वो। हमारे दिल के अंदर जो कुछ भी होता है वो कई बार हमें मालूम नहीं होता, लेकिन माँ को मालूम चल जाता है। यही माँ की खासियत है, और सर इसी को सच्चाई कहते हैं। माँ का दूसरा नाम भरोसा होता है। लेकिन बाप का मतलब भरोसा होता है, इस पर मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। लेकिन लेकिन ये भी तो एक सच है। That's what I'm saying. For example, आपके यहां आने से पहले हर्षवर्धन ने आपके पिता का कत्ल किया है, ऐसा सोचिए। और अब आपको ये सच्चाई मालूम चल गई है, लेकिन अब भी आप उस कातिल को मारने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप एक दूसरों के बच्चों की आपस में शादी करवाना चाहते हैं। But I thought, what if your believing is not true? अगर आपका बिलीव सच नहीं होता तब क्या होता? आप पूरे गैंग के साथ यहां पर आते उस कातिल को खत्म करने के लिए। अब आपने मन बना लिया है हर्षवर्धन के साम्राज्य को खत्म करने के लिए। अब आप लड़ेंगे, धाए 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 धाए, गन फाइट होगी। लाशों के अंबार बिछेंगे। ये भी तो एक सच है ना, एक बेटी की जिंदगी का कड़वा सच। सच तो सच होता है। आपकी जिंदगी की कहानी अगर मेरी फिल्म की कहानी से जुड़ जाती है तो मेरी कहानी में एक और सच सामने आएगा। और इस तरह मेरी कहानी पूरी हो जाएगी। जो हम देखें वो सच हो ये जरूरी नहीं, कई बार सच दिखाई नहीं देता, वो छिपा हुआ होता है। सी देखिए, क्या है कि एक राइटर को बहुत सारी कल्पनाएं करनी पड़ती हैं, तब जाके शानदार कहानी बनती है। सत्य जो है कल्पना की तरह अद्भुत होता है। एंड दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। अब आपको क्या लगता है सर? तुम्हारी कहानी में आगे क्या होने वाला है अब तुम मुझे वो बताओ। इसमें ए को लिखा है 1, बी को लिखा है 2, सी को लिखा है 3, डी को लिखा है 4। सो 4, 5, 1, 18 मतलब DEAR, डियर AM, डियर अंबिका। गुड यार। डियर अंबिका, वी विल रेस्क्यू यू फ्रॉम दिस हेल। प्लीज एक्ट लाइक यू आर ओके विद द मैरिज। बॉन सेज हाई टू चिनी। दादी सो रही है। कह रहा है शादी पसंद है, ऐसा नाटक करूं मैं।
और वो मेरे भागने का प्लान बनाएगा। वैसे क्या प्लान बनाएगा वो? पता नहीं, ये तो उसी को पता होगा। इंटेलिजेंट है वो। He's a genius. भैया डोमिनिक आ रहा है। वॉश द कार। आर यू मिस्टर हर्षवर्धन? हेलो डोमिनिक। मैं डोमिनिक नहीं हूँ, मेरी तुमसे फोन पे बात हुई थी। वो है डोमिनिक। सोल दे लो संदे। I'm sorry. मुझे लगा डोमिनिक कोई मर्द होगा, मैंने ऐसा समझा। बोंजो, एक तो डोमिनिक, दस्तली तो रांडो, नेवरले। मैडम को आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? प्लीज। बाय द वे, ये सुदर्शन है, आपको पता होगा। नेव नसली तो हुडियांदी मावा, एक तो बिजनाकी, क्लोदी बिजनाकी, ओला। जब रिश्ते की बात करने आएंगे तब रिश्ते की बात करेंगे, अभी बिजनेस की बात करने आए, बिजनेस की बात करते हैं। That's nice. Please. Translate निसीमन लाप। ओके मैडम, आई विल डू। मिस्टर हर्षवर्धन, हमारे बारे में आप क्या जानते हैं? जितना मुझे पता है, आप लोग बड़े लोग हैं। चिली देश के प्रेसिडेंट को आप लोगों ने मारा है, ऐसा मुझे पता चला है। वेल, साफ साफ बता देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, क्राइम में तीन मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं। पहले नंबर में है आर्म्स यानी हथियार सप्लाई करना, दूसरे नंबर में है ड्रग सप्लाई, और तीसरे नंबर में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसान सप्लाई करना। पिछले 30 सालों से हम इन तीनों फील्ड में नंबर वन पर हैं। हमारी कंपनी कौन सी है ये कोई नहीं जानता। वाओ, आप लोग की कृपा मेरे ऊपर कैसे पड़ी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही बस। अभी तक हम डी कंपनी के साथ बिजनेस करते थे, पर अब उसका होल्ड काफी कम हो गया है। अपने देश को छोड़कर अगर हम दूसरे देश में पकड़ बनानी चाहें तो ये बहुत मुश्किल काम है। आज की तारीख में उसके बस 10 कुत्ते इधर उधर गलियों में भौंकते फिर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हमारे नियम के खिलाफ काम करने की हिम्मत भी की थी। उसकी बात रहने देते हैं, अब हम लोग एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मुंबई में धंधा करना बहुत मुश्किल हो गया है, गोवा भी अलर्ट है, इसलिए मंगलोर, मंगलोर ही हमें सबसे सेफ जगह लगी। साल में 500-600 करोड़। तुम्हारे कहने का मतलब मैं नहीं समझा। हम तुम्हें 1500 करोड़ देंगे। साल का 1500 करोड़ मतलब? महीने का 1500 करोड़ मतलब तुम्हारे हो जाएंगे साल के 18,000 करोड़। हमसे प्रेसिडेंट को मारना नहीं होगा। उसके लिए दूसरे लोग हैं, वो हमारे माल हो, आर्म्स हो या फिर ड्रग्स हो या इंसान ही क्यों ना हो। स्टॉक रखना और टाइम पर उनको स्मगल करना होगा। इस वक्त जो आप काम करते हैं, आपको बस उसी को थोड़ा और बढ़ाना होगा। हमें टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। मंजूर है तो हम डील करते हैं। मजाक कर रहे हो, डील है? अगर मैं तुम लोगों के साथ बिजनेस नहीं करूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। डील। डील अप्रूव मैम।
अगर अच्छी तरह से हो गई तो ये 1,500 करोड़ तुम्हारे। अगर मुझे धोखा दिया तो तुझे मेरे गोडाउन में महीना भर चूहों के साथ भूखा रख कर तेरे साथियों को भी मार कर वो 1,500 करोड़ फाड़ के तुझे खिलाऊंगी। लो बिकी लो मास ट्रांसब्रांडी। माल नीचे है, उतरवा लो। ₹1,500 करोड़ के ड्रग्स हैं ये, अफगानिस्तान के लिए। 4 दिन के बाद मंगलूर में एक जहाज आएगा, इसाबेला, ऑस्ट्रेलिया जाने वाला। समुंदर पार करवा दो, बस इतना ही काम है। हो जाएगा। बहुत से लोग काम बिगाड़ने की कोशिश भी करेंगे। हो जाएगा। ये फैक्ट्री की है, लॉकर रूम में रख देना, संभाल के। ओके मल्ली। हमारी मैडम को आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद आया। हेलो, एक्सक्यूज मी बॉस, उनका नाम क्या है? चिनी। उनसे मैंने दवाई ली थी, उनको वापस कर दीजिए। थैंक यू। हाँ सर 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 सर। बोलो लेखक जी। सर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी है, आप सुनना चाहेंगे? बहुत अच्छा दिन है आज का, बहुत बड़ी डील साइन हुई है। ओ वाओ, कांग्रेट्स। चलो कहानी सुनते हैं। ठीक है भैया। राइटर भैया, मैं देता हूँ। दवाई देने के बाद थैंक्स बोला है। हाँ ठीक है। हाँ बोलो। यस। अब आगे लिखा है कि हर्षा को उसके दोस्त का फोटो मिलता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। मिस्टर हर्ष, आपको स्पेसिफिक क्वियस ऑफ बोन मैरो है, हड्डी में रहता है, आप में उसकी कमी है, जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितने लोगों का बोन मैरो चाहिए डॉक्टर? वैसा नहीं है, खून आरएनए डीएनए सब मैच होना चाहिए। बोन मैरो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर आपकी फैमिली में ही कोई डोनर होंगे तो बेहतर है, नहीं तो आई एम वेरी सॉरी। हर्षा को बहुत अजीब बीमारी हो गई थी, उस बीमारी का हल उसके फैमिली में ही था, क्योंकि आज तक हर्षा ने बहुत अकेलेपन वाली जिंदगी जी थी। उसने खुद को अपनों से दूर कर लिया था और अब जिंदगी में पहली बार उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। और फिर एक दिन हेलो। नमस्ते डॉन हर्षवर्धन जी, मैं तुम्हारा 20 साल पुराना दोस्त संजय। इंस्पेक्टर याद आया क्या? क्या है बोल। वेल, तेरी बीमारी के बारे में पता चला, उसके लिए तुझसे बिना पूछे एक काम किया है मैंने, लेकिन तुझे जरा शांति से सुनना होगा। साथ में 1 करोड़ भी भेजने होंगे। मैं फोन रख रहा हूँ। उस दिन तेरी बीवी मरी नहीं थी क्या? तू बॉम्ब रख के सिंगापुर चला गया था, उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सुधी स्पोर्ट में ही मर गया। लेकिन तेरी बीवी कोमा स्टेज में चली गई, कोमा में जाके तेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त तेरी बीवी मर गई, मुझे खुद जाके तेरे बच्चे को आश्रम में छोड़ना पड़ा, कुछ काम का नहीं है करके छोड़ा था। लेकिन अब देख कैसा बन गया है वो, मैं अनाथ हूँ कह के इतने दिन से भटक रहा था, पापा से मिलना है मैं उनकी जान हूँ करके बहुत तड़प रहा है, और बोल रहा था कि मैं अपने पापा को जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। पापा क्या हुआ आपको? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के बाद आप अच्छे हो जाएंगे। देखिए आपका बोन मैरो हमें ही लेना है, इनका ऑपरेशन के बाद आपका ऑपरेशन, तब तक रिलैक्स होने के लिए इंजेक्शन देती हूँ, आपको नींद आएगी तो सो जाइएगा, बीच में आपकी आँख खुल जाए तो मत उठिएगा,
इसलिए टेंशन मत लीजिए, ओके? गुड इवनिंग हर्षा जी। कौन है? तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मेरे हाथों तुम्हारी मौत निश्चित है। अगर मैं चाहूं तो इस गन की सारी गोलियां तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल सकता हूं, बस मैं एक फायर करूंगा और यहां से गोली निकलकर सीधे तुम्हारे माथे पर लगेगी और तुम मर जाओगे, लेकिन मैं अभी इस ट्रिगर को नहीं दबाऊंगा। तुझे क्या चाहिए बोल? हाँ, मुझे तुम्हारी मौत चाहिए। एनीवे, तुम्हारी बीवी मरने से पहले तुम्हें बचाने के लिए एक लड़के को छोड़कर गई थी, लेकिन तुमने उस लड़के के लिए जो बगल वाले वार्ड में तुम्हारे ऑपरेशन के लिए दौड़ भाग कर रहा है, उसके लिए तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं हर्षा, तुमने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन मैं अब इस रूल को ब्रेक कर दूंगा। तुम्हारे मरने के बाद सब तुम्हारे बेटे को ही मिलेगा, लेकिन मरने से पहले एक सच, वो तुम्हारा बेटा है ही नहीं। जिसे तुम अपना बेटा समझ रहे हो वो दरअसल तुम्हारी बीवी और तुम्हारे दोस्त सुदर्शन के संबंध से पैदा हुआ था, वो उन दोनों का बेटा है, ना कि तुम्हारा बेटा। रूम में जाके मिस्टर हर्ष को अनास्थेशा देके लेके आओ, ओके? ओके सर। वो सुदर्शन का बेटा है तो डीएनए उसी से मैच होगा ना। अब तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी संपत्ति सुदर्शन के बेटे को मिल जाएगी, और तब तक के लिए तुम्हें तड़पना होगा, तड़प तड़प के जीना होगा। बस थोड़ी देर में तुम्हें इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। दरवाजा खुलेगा, ट्रिगर दबेगा और तुम मर जाओगे हर्षा। गुड बाय। कैसी लगी सर? वो बचेगा क्या? अभी डिसाइड नहीं किया है। अच्छी। एक्चुअली सुदर्शन जी ने भी मुझे एक आइडिया दिया है। सुदर्शन है? किस लिए? ही सेड दुश्मन को मारने के लिए करीब जाना होगा और इसीलिए उससे दोस्ती करनी चाहिए। जब वो नजदीक होगा तो उसे मारना बहुत आसान हो जाएगा। उसने बिल्कुल मुझे शकुनी वाला आइडिया दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सच कहूं तो कमाल का आइडिया है। अब आगे होता है, वो दोस्त के रूप में आता है, बट एक्चुअली में वो बचाने नहीं आता सर। मैंने सुदर्शन को बोला कि उन्होंने तो आपको बचाने की कोशिश की थी। अगर उन्होंने बचाने की कोशिश की थी, इसका मतलब है कि वो फ्रेंडशिप निभाना चाहते हैं। बस भगवान करे कि
मेरी ये स्टोरी ना कामयाब हो जाए। तो कैसी लगी आपको सर? अब आगे क्या होगा मुझे सोचना पड़ेगा। वैसे सुदर्शन की तरह आपको भी कोई आइडिया है तो मुझे बोलिएगा, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड कंग्रेचुलेशन सर वंस अगेन उस डील के लिए। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय। रघु भैया, उसने ऐसा क्यों बोला? सुदर्शन या राइटर? सुदर्शन। अब भी मैंने उसके बाप को नहीं मारा है। दाऊद के हाथों से यह सब हुआ है, वो मान नहीं रहा है, जबकि सब कुछ दाऊद ने ही किया है। भैया उसके बाप के मरने पर एक अफवाह फैली थी। कैसी अफवाह? संपत्ति, सुदर्शन ने ही उनके बाप को मारा है प्रॉपर्टी के लिए, ऐसी अफवाह थी। इंग्लैंड में तुझे अकेले छोड़कर मैंने गलती कर दी, तेरी मॉडलिंग ही इसका कारण है। इधर ही रोक दे, और मैं जिस तरह रहूंगा अगर तू भी उसी तरह नहीं रहेगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है और मैं तुझे मार डालूंगा। आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने अपने चाचा को बोला कि मैं हीरो बनूंगा तो मुझ पे भड़क गया और मुझे घर से निकाल दिया। साहब बुड्ढों की यही हालत है। उस बेचारे ने सिर्फ यही बोला कि वो इंग्लैंड से बड़ा मॉडल बनकर आएगा, इसीलिए शायद उसका भी भड़क गया होगा। बेचारा सो रहा था, मैंने जाके समझाया। क्या समझाया तूने? भाई की बात का बुरा मत मान, अंदर जो तू फील कर रहा है ना वो मैं भी फील कर रहा हूँ। अब हम दोनों एक हैं। अपने भाई से डर कर जिंदगी बर्बाद मत कर, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। रजत पहले क्यों नहीं बताया बॉन्ड? कैसे, अब समझ आया मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ? इसका मतलब है कि किसको पता, जब तक तेरी लड़की आएगी। वो आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। इतनी? हम दोनों अब शादी करने वाले हैं तो एक दूसरे को जानना भी जरूरी है ना। कैच। देखो। या या। इसलिए थोड़ा बैठ के बातें कर लेते हैं ना। नॉट टुडे। तो फिर कल? कल वो एक्सक्यूज मी, कल स्विमिंग है याद है ना? हाँ कल वो है, डे आफ्टर टुमारो, देन फाइन। हाय, मेरा हाथ मत छोड़ो। थोड़ी मस्ती कम करेगा तू? ठीक है, पर तुमने ये दवा क्यों नहीं लिया? ये सांस को बंद कर देती है, अगर इसको दिया गया तो सुदर्शन अपने दोस्त को मारने का ट्राई कर रहा है ऐसा डाउट हो जाएगा, हमारा प्लान भी स्ट्रांग हो जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ अलग ही सोच रहा हूं मैं। कुछ तो करना पड़ेगा। हे, तुम्हारा फ्रेंड नहीं आ रहा है क्या? अयो, वो कुछ भी सोचता रहता है, उसे सोचने दे, हम एंजॉय करते हैं। कम ऑन, कम ऑन, या। ओके, नाउ कैच मी। क्या हुआ? आई थिंक फिश बिट मी। ओके, क्या करूं मैं? सर इधर नीचे। की फिल्म में मुझे भी कोई रोल मिलेगा क्या? ऐसा ये फांसी लगाकर तू मर जा, रोल मांगेगा विवेक।
वो मेरे दोस्त की आवाज है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ ऐसे? क्या हुआ ऐसे? मसल कैच हुआ। आप क्या कर रहे हैं? टेंशन मत लो, एक काम करो, चीनी के पास जाओ और एलेक्सिना का इंजेक्शन ले आओ। जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जाता हूँ, जाता हूँ। उसे आने में 20 मिनट लगेगा, मैं आता हूँ। मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहा है यार? सर साहब को मत बताइएगा प्लीज, साहब बहुत डांटेंगे हमें। अरे डरो मत, ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी कुछ नहीं होगा। लगता है ये अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ फंसा कर मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, ये सोच के डर लग रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ चिनी, ऐसे ही लग रहा है, इसलिए कल नहीं बोल पाया करके पछताना नहीं चाहता। आई लव यू। बोर्चप्पा, बोर्ची बोर्ची। चिनी, बाकी लोगों को हिंदी के अलावा भी काफी भाषा आती है, लेकिन मुझे तो एक ही भाषा आती है और तुम जानती हो वो हिंदी है, तो मुझे जो भी बोलना है वो हिंदी में ही बोलना पड़ेगा, मान जाओ प्लीज। मैं लव नहीं करती। क्यों? मुझे डर है। किस चीज का डर? वो क्या है ना, मेरा गांव मैंगलोर में है। जब मैं अपने गांव में नर्स की ट्रेनिंग ले रही थी ना, तब दीपक नाम के लड़के ने मुझे प्रपोज किया था, तो मैंने भी हाँ कह दिया। फिर दीपक मैंगलोर से मुंबई आ गया। मैं शादी करूंगी तो उसी से, ऐसा मैंने मम्मी पापा से कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं उसको ढूंढते हुए मुंबई आ गई तो मुझे पता चला कि उसके अनेक संबंध है। क्या था? अरे दूसरी लड़कियों के साथ अनेक संबंध था। उसे अनैतिक संबंध कहते हैं। हाँ वही, अनेक संबंध।
ऐसे मत बोल चिन्नी, सुनने में गंदा लग रहा है। तुम्हें सुनने में गंदा लग रहा है तो सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। चिन्नी 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 पुरानी बातें भूल जा। अगर शाहिद कपूर ये सोचता कि उसकी इश्क क्विज फ्लॉप हो गई और वो जब भी मेड बनाने का चांस नहीं लेता तो इतनी बड़ी हिट दे पाता क्या? उस फ्लॉप के लिए मुझे हिट को छोड़ रही है। चिन्नी 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 मैं तेरे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। अगर जी भी सका तो मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए। एंड्रू चिन्नी एंड्रू चिन्नी ओके क्या? जब आपने मुझे चाबी दी तो हम वहां गए। कैसे हुआ? जब आपने मुझे चाबी दी पता चला कैसे हुआ? कैसे? वो मुझे पता नहीं, चाबी आपके पास ही थी। फैक्ट्री का दरवाजा टूटा नहीं है ना? नहीं, लेकिन लॉकर रूम टूटा था। हाँ, मतलब किसी ने फैक्ट्री का दरवाजा खोल के लॉकर रूम का दरवाजा तोड़ के माल को लिया और फिर से फैक्ट्री का दरवाजा बंद कर दिया। इस बॉक्स को कोई अकेले नहीं उठाया होगा, दो जन को भी भारी पड़ेगा ये। इसका मतलब ये है ये सब करने के लिए पूरा गैंग आया होगा यहाँ पे। मतलब क्या कहना चाहता है तू? माल रखने को तुमको दिया था। रघु, सुदर्शन, 1500 करोड़ का माल ऐसे नहीं गायब हो जाएगा। इस जंगल के अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, अंदर वाले का ही काम है ये। अंदर वालों ने ही किया होगा, लेकिन कौन? चाबी तो आपके पास ही थी। डुप्लीकेट चाबी बनाने को कितना टाइम लगता है? शट अप! तुम लोग रूम में जाओ, आप सबसे मैं बाद में बात करता हूं। देखिए अंकल, खामखा में आउट। उस दिन आपका शक सही था भाई, चाबी उनके पास ही थी। उनके लोगों में से किसी ने लॉकर तोड़ा, चाबी उनके पास ही थी, उनके लोगों ने ही लॉकर खोला, तो डाउट उनके ऊपर जा सकता है। लेकिन लॉकर तोड़कर कोई ले गया? सुदर्शन के पास चाबी नहीं थी, लॉकर तोड़कर सारा सामान ले गया, ऐसा शक मेरे ऊपर कर रहे हैं। अब वो डोमिनिक इधर मुझे मारने की कोशिश करेगी और ये 1500 करोड़ आसानी से टकार कर हजम कर जाएगा। हाँ, पंद्रह सौ करोड़ को कहां से लाऊं मैं? सारा कलेक्शन जमा करे तो भी 400 करोड़ ही होगा। उतने का ड्रग सप्लाई तो एक ही आदमी कर सकता है, जुनैद माल पानी वाला। जुनैद, आप गुरुवार को चिकन नहीं खाते हैं ना? आज बुधवार है। वो पता है, लेकिन आप गुरुवार को नहीं खाते हैं ना? मुझे मारने के लिए कितनी कोशिश की थी तूने? जितनी बार तूने मुझे मारने की कोशिश की थी उतनी बार डोमिनिक मेरे साथ बिजनेस करती थी। पता है, मैं पहले दाऊद के साथ काम करता था इस वजह से, और मेरा तेरे जैसा पॉलिटिक्स में कनेक्शन नहीं है करके मुझे याद भी नहीं है कि। जुनैद, इस बार मेरी मदद कर। हमने कभी किसी की मदद की है क्या? नहीं, व्यापार करते हैं। 1500 करोड़ कीमती ड्रग्स को जमा करने के लिए क्या है तेरे पास? क्या चाहिए? अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे, तब तू डोमिनिक के साथ जो भी बिजनेस करेगा तो मैं तेरा पार्टनर बन के रहूंगा। अंबिका, विवेक, दरवाजा बंद कर। I'm sorry, ऐसे आने के लिए, पर टाइम नहीं है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी जुनैद से फिक्स कर दी है। अब ये कौन है? ड्रग माफिया वाले हैं। तुम्हारे पापा ने 1500 करोड़ में तुम्हें भेज दिया है। वो इंसान नहीं, राक्षस है। देखो, अब टाइम नहीं है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो शायद बच सकती हो। अगर हम जुनैद को इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो शायद हम बच जाएंगे। सो दिस इज द प्लान। तेरा ही प्लान था, मेरे पापा को तूने ही मारा। अब ये सब कारण बोलकर
मेरे भाई की शादी रोककर मुझे अपमानित करना चाहता है तू? मैं तुझे आधे घंटे का वक्त देता हूँ, तू और तेरे गैंग वाले जगह खाली करना चाहिए। आधे घंटे के बाद अगर वो दिख गए तो मैं उन्हें मार दूंगा। हेलो, चलेगा भाई? सर, दादी की हालत सीरियस है, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। इस टेंशन में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं खुद ही मार देता हूँ। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, वो आपकी माँ है, हमारी भी माँ की समान है, उन्हें मत मारिए भाई, माफ कर दीजिए, पब्लिक में क्या इम्प्रेशन बनेगा भाई। हाँ। ए पकिया, राजू, सुरेश, आओ ना, जल्दी मरवाई दिया, हॉस्पिटल लेके जाना है, जल्दी गाड़ी निकालो। दादी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सुदर्शन गैंग वाले यहाँ से निकल गए हैं, सब हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है, यही तो प्लान था। रजत, सॉरी रजत, ये सब हो गया, बट डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूँ। आई नो, आई डोंट हैव टू वरी, आई नो, आई डोंट हैव टू वरी, आई लव यू, दिस इज माय मुंबई नंबर, जाने के बाद कॉल करना, हम लोग कहीं भाग चलेंगे। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे मालूम चला सुदर्शन का भाई इंग्लैंड में मॉडल था, और मॉडल भी एक गी मैगजीन का। क्या? हाँ, और इसीलिए उसके भाई ने उसे चिल्ला के बात की थी, क्योंकि वो गे था और वो अंबिका से शादी नहीं कर सकता था। उसी दिन से एक नया ट्विस्ट आता है, तू उसके भाई के पास जाएगा और उसे मॉडल बनने के लिए समझाएगा, तो उसके भाई के पास तू जा। रजत, भाई की बात का बुरा मत मान, अंदर जो तू फील कर रहा है ना, वो मैं भी फील कर रहा हूँ, अब हम दोनों एक हैं। तुझे देखा, अपने भाई से डर कर जिंदगी बर्बाद मत कर, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। रजत, पहले क्यों नहीं बताया बॉन्ड? अब तुम दोनों बहुत खुश थे, नदी में जाकर तुम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद तू मुंह से मुंह लगाकर उसे फूंक देता है, और ऐसे कहानी आगे बढ़ती है। तुझे ये सब पहले से पता था? उस दिन तूने चेस खेलते वक्त मुझे बोला था ना कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। एक दिन रजत जब मेरे पास आया तो उसने मुझे गे समझा, तभी मुझे ये आइडिया आया। जब उसे मालूम चला कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, तब तो वो बहुत खुश हुआ था। मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं तुझे बता देता तो ये सब कैसे होता मेरे यार, इसीलिए नहीं बताया। तेरी तो मार मत। अगर तूने इस बारे में किसी को भी बताया, खासकर उस चीनी के, तो मैं तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। अरे नहीं पता चलेगा, मैं हूं ना। वैसे उतर जा, ये पोजीशन अच्छी नहीं है। पोजीशन? सर सॉरी, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार हैं ऐसा लग रहा है। आप लोगों ने क्या किया है भाई, सही समय पे मुझे उसकी नियत पता चल गई। बैग सब पैक कर लिया ना? हाँ सर, हमें डर लग रहा है इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। कहानी तो पूरी बताई नहीं। पूरी होते ही आपको कॉपी भिजवा देता हूँ सर। साथ पिएंगे क्या? नो थैंक्स। देखो रियल लाइफ में तो कुछ होता नहीं है, अगर आप सोचते तो भी इतना ट्विस्ट नहीं दे सकते थे। नहीं सर, हम ऐसा ट्विस्ट सोच भी नहीं सकते। भैया एक खुशखबरी है, गोवा में तूफान आया है, इसलिए मुंबई से जहाज आने में 2 दिन का और टाइम लगेगा। हम लोगों को 2 दिन का टाइम और मिला है, कल माल रेडी हो जाएगा, जुनेद ने ऐसा बोला है। गुड। भैया नर्स का फोन आया था, उस बुढ़ी को A+ ग्रुप का ब्लड चाहिए। कोई एक इंजेक्शन देकर उसे मारने के लिए बोलो। सर मेरा O पॉजिटिव है, सबको मैच होता है, मैं दे दूं क्या सर? तो क्यों दे रहा है? कैसी बात कर रहे हैं सर, आपकी वजह से ये कहानी मिली है, आपके लिए तो खून दूंगा ही, कल मैं भी कह सकता हूँ कि सिर्फ पसीना ही नहीं, मैंने कहानी के लिए खून भी बहाया है। ठीक है जाओ। आप चिंता मत करिए, राइटर और उसका दोस्त शाम को आके खून दे देंगे, और हम लोग आके आप लोग को पिकअप करेंगे।
Yes, he did it again. भैया जुनैद ने फोन किया था, शादी के बाद ही रिश्ते का ऐसा बोल रहा था, तो शादी आज ही रात को हो जाए तो अच्छा है। ओके, उस सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके उस बुड्ढी और नर्स को वहीं छोड़ के अंबिका को उठा के लाने के लिए बोलो। सिक्योरिटी के सर पे इसे जोर से मारना, निशाना चूकना नहीं चाहिए। चिन्नी के सामने हीरो बनने का मौका छोड़ दूंगा क्या? ए, मैंने खुद फोन करके मंगाया था, तीन लोरी आई है। ये देखो क्या बात कर रहा है। तू भी कुछ भी बोलता है, बड़ा आया। हेलो, मेरे बाप को मारा है ना, और अब मेरे भाई की शादी रोककर मुझे अपमानित करना चाहता है तू? हाँ, तेरी बेटी को मैंने किडनैप कर लिया है रे। अब तू कैसे उसकी शादी करेगा, तू कैसे बचेगा, ये मैं भी देखता हूँ, समझा? लेके आ रे 1500 करोड़ रुपए, जल्दी से लेके आ, समझा? बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि लेखक कहानी नहीं लिखता है, बल्कि कहानी लेखक से खुद लिखवाती है। बुजुर्गों ने एक बात और कही है कि अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। भूलनी चाहिए क्या? एक अच्छी फिल्म फ्लॉप हो जाए तो बुरा लगता है, पर उससे भी बुरा पता है कब लगता है? जब एक बुरी फिल्म हिट हो जाए। उस दिन रजत ने तुझे फोन नंबर दिया था ना? दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। हाँ, तू ही रास्ता ढूंढेगा ना, तू ही तो समझदार है, तू ही तो राइटर है, जरूर तुझे पता होगा कि इस चीज का कोई रास्ता है या नहीं। तुझ पे भरोसा कर, तेरी बातें मानकर, तेरी वजह से आज वो दोनों लड़कियां वहां पर हैं। और पता है तू अपने दोस्त की भावनाओं को बिना समझे हमेशा मुझे जोकरों की तरह ट्रीट करता है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं दोस्तों के बीच बहुत सारे मजाक चलते हैं राइटर साहब। लेकिन दोस्त की कीमत कौन जानता है, एक दोस्त का मजाक उड़ेगा तो तू तो खुश होगा ही ना। मैं खुश होऊंगा? Do you think I planned this? तेरे से 10 गुना परेशानी मुझे हो रही है। दूसरा रास्ता कोई होता तो तेरे को सेफ करके मैं खुद उस रास्ते पे चलता। ए! चीनी वही है बॉन्ड। तू चिंता मत कर, मैं अंबिका से प्यार करता हूँ। ये कहानी तेरे बिना पूरी नहीं होगी बॉन्ड। मैं अपने प्यार को नहीं खोना चाहता, लेकिन दोस्ती के बदले में प्यार पाना भी नहीं चाहता। तू उससे प्यार करता है, इसीलिए तूने उसकी शादी रुकवाने के लिए सारा प्लान किया। हाँ, उसे पाने की खातिर नहीं, वो खुश रहे इस खातिर।
सॉरी बात कर अरे बात करना हेलो हाय रजत बॉन्ड हाँ बॉन्ड लाइन पे रहना कट किया कट किया कट हो गया कैसा है सांस ले रहा हूँ बॉन्ड क्यों आई मीन मेरे होते हुए तू क्यों ऐसी बातें करता है फिर क्या बॉन्ड अंदर की फीलिंग को बाहर डालने का कोई वे नहीं है क्या ऐसा मत बोल रजत मैं हूं ना नहीं बॉन्ड ये पापी लोग हमें साथ नहीं रहने देंगे कल शाम को ही We all are living for Spain. Spain? यहां रहेंगे तो हर्षवर्धन पैक कर देगा इसलिए हम ये देश छोड़ के जा रहे हैं hey, तुम लोग देश छोड़ के नहीं जा सकते मेरा क्या होगा hey. मतलब हम दोनों के सपने का क्या होगा बोलो हमारी प्यार की कहानी का क्या होगा रजत मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा बॉन्ड ये सब ठीक होगा हम दोनों को साथ होना है तो मेरे पास एक आइडिया है लेकिन तुझे हमें सपोर्ट करना होगा बस टेल ना बॉन्ड क्या करूं सर दया करके हमें बचाइए सर उस जंगल से कैसे भाग के आए हमें बताएं सर वो हर्षवर्धन की बेटी को हॉस्पिटल से एस्केप करने में हमारे हाथ है सर इसीलिए वो हम दोनों की जान लेना चाहता है सर मुझे और विवेक को मारने जंगल ले जाते वक्त विवेक को बुलेट लगा है सर मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसे कैसे करके भाग के आया हूँ सर राइटर को मार दिया हाँ, मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं सर क्यों सर हम हमेशा आपके तरफ थे हमें सब कुछ मालूम था फिर भी हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया सर चुप बैठे थे इसीलिए उन्होंने हमें मारने की कोशिश की हमें बचा लो सर चुप रहो मैं बहुत परेशान हूँ मेरा भाई तुमसे मिलने के लिए बोला इसलिए मैंने तुम्हें बुलवाया मैं तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकता कुछ पैसे दे देता हूँ बैंगलोर चले जाओ तुम्हारे जाने का बंदोबस्त हमारे आदमी कर देंगे सर मुझे बचा लो सर वो मुझे मार देंगे hey! इसे उठाकर बाहर फेंक दो नो सर क्वाइट भाई व्हाट इज दिस रजत जो तेरी समझ में नहीं आए उसमें दिमाग मत चला हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते कैसे लेकर जाएगा इसे बाहर गया तो उस हर्षवर्धन के लोग विल किल हिम हम क्या इसका लाइफ इंश्योरेंस कराकर बैठे हैं आपको नहीं पता होगा लेकिन ही सेव माय लाइफ अगर विश्वास नहीं है तो अपने बॉडीगार्ड से पूछ लीजिए जब ये तैरने गए थे ना तब इनका मसल कैच हो गया था इन्होंने ही साहब को डूबते हुए बचाया था सुन लिया ना इसकी ये हालत की वजह हम ही लोग हैं फॉर नो रीजन दे किल्ड द राइटर अब इसे छोड़ देंगे क्या भैया प्लीज भैया सर सर प्लीज सर मुझ पे यकीन कीजिए सर You are brilliant, Bond. तुमने सही कहा था तुम इतने बड़े एक्टर भी हो और What happened? वो आंख में पट्टी बांधकर जंगल से आते वक्त पत्थर मेरे पैर पे लग गया था बस उसी का दर्द है God, बैठो कोई बात नहीं क्या कोई बात नहीं दिखाना Oh Jesus, wait, I will arrange for the dressing. रजत, please, move नहीं चाहिए. No, नहीं चाहिए, वही चाहिए. Oh God. Hey रजत. Yeah, please come in. Nurse, I believe you know him, but लेकिन वो क्या है कि भैया वहाँ बुला रहे हैं. I will come. जल्दी आने को बोले हैं. Nurse, will you please? चुनी क्या कर रही हो तुम तो नर्स हो तुमने तो इससे बड़ी बड़ी चोट देखी है हा? किसी को भी शक हो जाएगा प्लीज तुम यहाँ क्यों आए तेरे लिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ चुनी पता है नहीं तो आप मुझे टच नहीं करते ना
वैसे तू यहाँ कैसे फंस गई? हॉस्पिटल से सिक्योरिटी को मार के आते वक्त मल्ली को चोट लग गया, इसलिए मुझे भी किडनैप कर लिया। अगर उसकी हालत सीरियस नहीं होती तो वो लोग मुझे मार देते। ये लोग बहुत खराब है, तुम चले जाओ यहाँ से प्लीज। चिनी डर मत, मैं तुझे यहाँ से लेके जाऊंगा। विवेक बाहर है, वो सब संभाल लेगा, भरोसा रख चिनी। अंबिका कहाँ है? हेलो हेलो विवेक, मैं, तूने जैसा बोला था मैंने वैसा किया, सब कुछ ठीक है। मैं रजत के फोन से बात कर रहा हूँ। तू कैसा है? मैं ठीक हूँ, चिन्नी भी ठीक है, लेकिन अंबिका यहाँ नहीं। वो कहाँ पर है? ध्यान से सुन, मुझे यहाँ आके पता चला कि ये सब लोग कल यहाँ से स्पेन जा रहे हैं। उससे पहले इन लोगों का अंबिका को मारने का प्लान है। अगर यहाँ रहने से पहले हर्षवर्धन ने इन पे अटैक किया तो अपनी जिंदगी के बदले वो अंबिका की जिंदगी का सौदा करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उसको जिंदा रखा है। उसे आइस बॉक्स में डाल के समंदर में फेंक के मारना चाहते हैं। मैं तुझे उसका पता देता हूँ। उधर देखो रे, कौन आ रहा है? ये हमारे इलाके में कौन आ रहा है? छोड़ेंगे नहीं इसे। मैं अंबिका से प्यार करता हूं। अंबिका आंखें खोलो, अंबिका 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 आंखें खोलो, अंबिका मैं हूँ, देखो मैं हूँ। हम मर गए हैं क्या? नहीं अंबिका,
ऐसा लग रहा जैसे कि हम स्वर्ग में हैं। भाई मैं यहाँ आइलैंड पे हूँ, यहाँ सब मारे गए हैं, अम्मी का भी नहीं दिखाई दे रही है। ये जरूर हर्षवर्धन का ही काम होगा, इतने लोग मारे गए हैं, मतलब कोई बड़ा गैंग आया होगा। भाई अभी हमें क्या करना है? भाई तुम जल्दी से वापस आ जाओ और आज ही देश छोड़कर चले जाओ। सुदर्शन को तो मैं बाद में मारूंगा, पहले ये बताओ अंबिका कहाँ है? उठ बोल, उठ बोल, उठ। अंबिका कहाँ है बे? भाई आप लोगों ने हमारे गैंग पे अटैक किया, आपकी बेटी आपके ही पास होगी ना भाई? अंबिका? हाँ? कैसी हो तुम? पहले से बेटर हूँ। देखो हमारे पास टाइम नहीं है, सुदर्शन को इस बात की खबर लग गई होगी कि हम लोग आइलैंड में नहीं हैं, और वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, हमें उसे रोकना ही होगा। क्यों विवेक, हम बैंगलोर चले जाते हैं ना? नहीं अंबिका, बॉन्ड वहां पर फंसा हुआ है, सुदर्शन यहां से निकल गया तो बॉन्ड कभी वापस नहीं आ पाएगा। बॉन्ड मेरे लिए वहां पर गया था, मैं दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता अंबिका। और चीनी भी वहीं पर फंसी हुई है। चिन्नी कैसी है? बॉन्ड के साथ है। ठीक है तो अब क्या करना है? सुदर्शन को यहाँ से फरार होने के लिए शिप से जाना होगा, और वो प्लेन से जाएगा तो कस्टम वाले रुकेंगे। ऐसी सिचुएशन में उसको मदद करने वाला एक ही आदमी हो सकता है, बनंजय सुरेश। अब ये कौन है? रिसर्च करते समय मुझे वरंजय सुरेश के बारे में मालूम चला। इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मतलब स्मगलिंग। देश से इलीगली बाहर जाना हो तो सिर्फ यही उसका साथ दे सकता है। तुम्हें इतनी सारी चीजों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? क्या कुछ पता है? या आई मीन एस्केप होने के आइडियाज के बारे में, पेपर को पानी में डाल के पढ़ने के बारे में, और तुम्हें कैसे पता था कि मैं उसे पढ़ ही लूंगी? वेल तुमने ऑप्टिकल फिजिक्स में एमएससी की है ना? या गीले पेपर पर कैसे लिखना तुमने जरूर सीखा होगा। लेकिन तुमने ये सब कैसे प्लान कर लिया? अंबिका अगर कोई कहानी कहनी है तो सारे फैक्ट समझने पड़ते हैं। Answer the facts and you get the story which is unquestionable. ठीक है अब क्या करना है? अरे बल्ली मारे शर्म को। अंबिका कहाँ है मल्ली? मुझे नहीं पता भाई, लेकिन सुदर्शन अपनी सारी फैमिली को लेकर परंजय के क्रूज से फरार होने वाला है भाई। परंजय रघु। बोलो भाई। उसको वॉर्न कर। ठीक है भाई। चल उठ के बैठ। सो कौन कौन देश छोड़कर जाने वाला है? भाई रजत पहली टीम जाते समय उस चिन्नी को भी मार डालेंगे, उसके बाद वो बॉन्ड भी है उसे भी लेकर जाएंगे साथ में। बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? वही राइटर का फ्रेंड, आपने जब उस राइटर को मार दिया था तो वो हमारे भाई के पास आके सरेंडर हो गया था। हमने राइटर को कब मारा? सुरेश बनंजय। हाँ बोलिए। मैं हूँ दिवाकर साहिल, मेघन नारायण, इंटेलिजेंस ब्यूरो। पुलिस वाले हो? नहीं मिस्टर सुरेश, पुलिस वालों को कैसे काम करना है ये हम सिखाते हैं। आइए 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 अपना। ओके सर। चल आओ। आइए सर, आइए सर, बैठिए।
पार्टी के दौरान ड्रिंक्स और सिगरेट नहीं लेना है, ऐसा रूल है। आप भूल गए क्या? परंजय सुरेश, आप क्या सोचते हैं, हमें ड्यूटी पर सिगरेट पीनी चाहिए या फिर नहीं? ड्रिंक्स नहीं करनी चाहिए ये तो ठीक है, लेकिन सिगरेट से क्या फर्क पड़ता है? आपका कहना है कि हम पी सकते हैं। आपको जैसा लगता है वैसा ही करिए सर। रॉन्ग मिस्टर परंजय, रूल्स आर रूल्स, पसंद नापसंद से फर्क नहीं पड़ता। रूल्स है कि सिगरेट नहीं पीना है, मतलब नहीं पीना है, समझे? आपको रूल्स समझाने के लिए मैं इस सिगरेट से ज्यादा और कुछ वेस्ट नहीं करने वाला। Now come to the point, Mr. Bananjay. हमें मालूम चला है कि आप करोड़ों का ड्रग्स सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। सर, ड्रग्स? डॉन सुरेश को देश से भगाने में हेल्प भी कर रहे हैं। आपको किसी ने गलत जानकारी दी है? आप जरा मुझे अपनी टैक्स फाइल्स की रिपोर्ट दिखाएंगे मिस्टर सुरेश? सर, टैक्स फाइल्स की रिपोर्ट। सर, एक मिनट सर। क्या कर रही हो? मुझे सिगरेट पीने वाले बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब डराने के लिए मैं सिगरेट पीने का नाटक कर रहा था? वेल, सिगरेट का धुआं छोड़कर डराने से ज्यादा जिस स्टाइल में तुमने उसे डराया ना, वो बेटर था। सो मिशन अकम्प्लिश्ड। आ रहा हूं बैनर्जी। आप मत आइए। क्या? अरे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आए हैं, ये सीबीआई के भी बाप हैं। इनको पता चल गया तो सब खत्म। मिस्टर बनंजय सुरेश, आपके डॉक में कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं चल रही है? मेरी माँ की कसम ऐसा कुछ नहीं है सर। गुड, हमारी ऑफिसर मेघना इस जगह का एक राउंड मारने जाएंगी। राउंड क्यों प्लीज? फाइन। अब आप सुनिए। उसे लगता है कि सिगरेट पीने से हीरो दिख रहा है। जल्दी वहां जाना होगा हमें। भैया चाय। सर चाय तो लीजिए। क्या चाय? रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो मुझे? सर चाय में क्या रिश्वत। चलो बाहर आओ। चलो। ए, तू अंदर जा। मिस्टर बनंजय, हाँ? हमारे डिपार्टमेंट की आपके डॉक पर पूरी नजर है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज हुई तो कसम से कह रहा हूँ कि आप कसम खाने लायक नहीं रहेंगे। फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। हाँ, चलता हूँ मैं। हाँ, दोबारा आने का मौका मुझे मत दीजिएगा, ओके? हाँ। सुदर्शन के लोग हैं क्या? नहीं, पापा के लोग हैं। वैसे ही लगा। तुझे क्या हुआ? यहाँ कोई आया था क्या? अरे कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आए थे, लेकिन तू यहाँ कैसे? बॉस ने तुमको चेतावनी दी है, अगर सुदर्शन को भागने में तुमने कोई भी मदद की तो तुम नहीं बचोगे। अरे मैंने कितनी बार हेल्प की उस सुदर्शन की स्कैप करने में, लेकिन इंटेलिजेंस वाले पोर्ट में ही घूम रहे हैं। पोर्ट में? लेकिन तू यहाँ पर क्यों आया? वो लोग पोर्ट में घूम रहे हैं। चल जा, 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 निकल, जा। क्या बकवास कर रहा है भैया? जरा सोचो ना, माही भाई नहीं दिख रहे हैं, आईलैंड में वो लड़की भी नहीं है, और इंटेलिजेंस ऑफिसर सब बनंजय को डरा रहे हैं। ये सब साथ में कैसे हो सकता है? इसका मतलब हम में से ही कोई ना कोई धोखेबाज है। हम में से नहीं भाई, ये सब उस बॉन्ड के आने के बाद शुरू हुआ है। भाई मैं बोल रहा हूं ना, मैंने अमेरिका को देखा था, लेकिन ऑफिसर्स थे ना इसलिए। तूने कोई ऑफिसर्स देखा क्या? नहीं भाई। उनमें से कोई लड़की थी? हाँ, कोई मेघा थी। माही बार बार बोलता है कि मेरी बेटी उसके पास है, फोटो ले जाकर के उसे ढूंढो, मिलेगी। उसके बाद एक बात बोलना, हमने राइटर को मारा इसलिए बॉन्ड डर करके सुदर्शन के पास है। हम लोग राइटर को मार दे क्या? अभी तक तो नहीं मारा, अब मारूंगा। Thank you.
सच बोलेगा तो आराम से मरेगा, झूठ बोलेगा तो तड़प तड़प कर मरेगा। देखा मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ पता चला ना। इतनी देर हो गई, ये अभी तक क्यों नहीं आया? बॉन्ड कहाँ है? इतना ज्यादा चाहती है रघु जी? भाई इसे लेकर चल, ये आगे हमारे काम आएगी। तू मुझे मार दे सुदर्शन, नहीं तो तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, समझ ले तू, समझ ले। भैया ने तुझे मारने के लिए मना किया है, उसके बदले में तेरी उंगलियां काटने को कहा है ताकि तू फिर कोई कहानी ना लिख सके। बात आई समझ में तेरे? लेकिन उससे पहले ये कहानी कहाँ खत्म होगी ये पूछने को बोला है। कहानी? तेरी कहानी हम सबको बहुत पसंद आई, इसलिए भाई ने ये कहानी कहाँ एंड होगी ये पूछने को कहा। चल बता कहानी का एंड क्या है। हॉस्पिटल से बच निकलने के बाद हर्ष ने विवेक को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया और विवेक ने भी बीमार हर्षवर्धन की पूरी देखभाल की, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए। हर्षवर्धन ने विवेक के प्यार को देखकर कुछ डिसाइड किया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी संपत्ति विवेक के नाम कर देगा। ये सारी संपत्ति तुम्हारी है। वो लड़का हर्ष का बेटा नहीं था, सुधी का बेटा था? नहीं, वो उनका बेटा भी नहीं था। मतलब? Thank you.
सॉरी अंकल, दूसरी बार भी हम धोखा खा गए। अगर मैं शांति से रहता तो इतना सब कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, मैंने भी गलती की, लेकिन अंबिका को तेरे बेटे को नहीं दे सकता। जुनैद के पास ट्रक से उसे लेना है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। अगर हम दोनों पहले की तरह रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। राइटर साहब, रघु कहाँ है? तेरे आदमियों से पूछ। I will kill you. करो, तुम्हारी तो बहुत शाड़े बनते हो तुम लोग। डोमिनिक ड्रग्स को छुपा के मेरे पास ही आके ड्रग्स मांगते हो। अपनी बेटी से मेरी शादी करवाने के लिए बोला था, लेकिन तुम दोनों ने मिलके झगड़ा करने का नाटक करके उसके बाद इसने तेरी बेटी को किडनैप किया, ये झूठ बोल के शादी को रुकवा दिया ना। मेरे ही ड्रग्स को लेके मुझे ही मारोगे क्या? ए, तुम लोगों का आइडिया मुझे पता है। तुम लोग 1500 करोड़ रुपए के ड्रग्स को डोमिनिक को देके मेरे ही ड्रग्स को खाने के बारे में सोच रहे हो क्या? तुझे आखिर ये सब किसने बताया? सर, सर, मुझे बचा लीजिए सर, मैं आपको सच बताऊंगा, इसलिए मुझे मार रहे हैं ये लोग। इधर आ, कौन क्या करेगा मैं देखता हूँ। जब तक मैच की आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाए, मैच खत्म नहीं होता है। अब तुम ये सबक जिंदगी भर याद रखोगे। सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए सर।
मैं हूँ रिलैक्स रिलैक्स विवेक विवेक कुछ नहीं होगा मैं हूँ ना कुछ नहीं होगा चलो मेरे साथ आओ आ जाओ अच्छा राइटर साहब राइटर जी नमस्ते कैसे हैं ठीक हूँ मैं अभी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार मेरे फाइनेंसर परेशान कर रहे हैं कि एक्शन सिनेमा मत करो कोई फाइनेंस नहीं दे रहा ना अब तक मैंने छोटे बजट की फिल्में बनाई हैं और उसमें सक्सेस हुआ हूँ और एक्शन सब्जेक्ट मुझे सूट नहीं करेगा मेरे सारे दोस्त मुझे मना कर रहे हैं कि एक्शन सब्जेक्ट मत बनाओ तुम मैंने अभी तक जितने भी अपने जानने वालों से पूछा है सब ने मुझे मना किया एक्शन बनाने के लिए मुझे लव सब्जेक्ट ही चाहिए अभी तुम्हारे पास कोई अच्छी लव स्टोरी है क्या है सर लव फ्रेंडशिप धोखा सब है सर लेकिन कहानी में बहुत दर्द भी है सर वाह ब्यूटीफुल लव मतलब दर्द भरी कहानी जल्दी आ जाओ बेंगलोर में नई कहानी रेडी करके ओके सर क्या हुआ यहाँ सब मारा मारी करके मर गए मिमक ब्रुनेट गोविलांस रास्ती सी एवल दिन तुर्गेंदी हम जानते थे
कि ये सब भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। इसीलिए बॉक्स में ड्रग्स की जगह हमने पत्थर भर कर दिए थे। क्या? हम लोगों ने पहले सिर्फ एक बॉक्स टेस्ट करने के लिए दिया। इनकी नियत में किसी तरह की खोट है या नहीं हमें इस बात का पता चल जाता। इनके पास हैंडल करने की कैपेसिटी है कि नहीं ये देखने के लिए हमने इन कमीनों के साथ ये गेम प्ले किया था और ये लोग फेल हो गए। उरांदे? आप कौन हैं? मैं एक राइटर हूँ। और ये? मेरी लवर। राइटर और लवर, मुझे दोनों ही पसंद है, उन्हें जाने दो। हम बंगलुरु जा रहे हैं, लिफ्ट चाहिए? अब क्या करेंगे? बेंगलोर जाएंगे, एक नई कहानी लिखेंगे।